जी अस्सलाम वालेकुम। आज हमारे साथ एक बहुत सीनियर अदाकार कॉमेडियन जी अभी प्रेस क्लब के बाहर प्रिंट हुआ है। हमारी बहुत ही प्यारी आर्टिस्ट हैं शिवा भट्ट, उनकी क्यादत है तमाम हमारी यहाँ पे जो फनकार बरादरी थी, उन्होंने फलस्तीन के हाथ में प्रोटेस्ट किया है और उन्होंने फलस्तीन के नारे लगाए हैं, तो उसने जिंदाबाद किया और इसने इनको मुर्दाबाद किया। मैं भी आज अपनी फनकार बरादरी के साथ था, आपके साथ भी थे, तो ये बड़ा अच्छा मुजहरा आज हुआ है प्रेस क्लब के बाहर। जैसे कि आपकी अक्सर हर किसी ने मुजहरा किया, आज फनकार बरादरी की तरफ से मुजहरा था जी। पिछला साल ये बात हो रही थी कि कुछ बाहर नहीं आ सके या नहीं आए, काफ़ी फनकार नहीं आए क्योंकि उनके माली हालात इतने अच्छे नहीं है, वैसे सबको आना चाहिए था जी। आपने जिनके माली हालात है वो भी नहीं आए, आज जी बेहतर सर, ये बड़ी शर्मिंदगी की बात है कि फनकार बरादरी आज क्यों नहीं बचुकी थी, वही सब तो आना चाहिए था। फलस्तीन दुनिया का मसला था, ये बहुत ही फनकार बरादरी के लिए मैं तो समझता हूँ ये एक शर्मिंदगी की बात है। आज के इस इवेंट के ऊपर सारी फनकार बरादरी को बाहर निकलना चाहिए था। आज जैसे मैं आ गया हूँ और भी फनकार आए हैं, शिवा भट्ट आई है और नसर अजीत साहब आए हैं, हमारे लोग आए हैं, वो लेट हो गया, ये अच्छा नहीं होना चाहिए था, सबको यहाँ प्रोटेस्ट करना चाहिए था। और आपके मॉडल भी आए हैं, उनका नाम आपने कहा तेरा सुहाना का नाम लेना, हाँ बिल्कुल जी, वो भी आई है, वो भी आई है, बहुत बड़ी बात है कि वो इतनी बड़ी मानक वो भी आ गई थी मुजारे में हमारे साथ शरीर से। नहीं नहीं, ये आपने आपको कहते ना मैं कॉमेडी करता हूँ ना मैं डांस करता हूँ, मैं तो सीनियर से रोल करता हूँ। आपने अंदर ये बात ही कह रही है, मैं ना कॉमेडी करूँ और ना मैं कोई डांसर हूँ, ना मैं करियर कराऊँ, मैं सिर्फ ड्रामा आर्टिस्ट। आपने ऐसी बात की तो मैंने आपका एग्रीमेंट कराया, आपने ऐसी बात नहीं करनी है, बहुत सारा गलत है, बहुत सब ठीक है। आपको पाकिस्तान से ज़्यादा भारत में काम करना पसंद है, इसमें बड़ी ऑफर आ रही है भारत से, लेकिन मैं वापिस नहीं जाऊँगा, मुझे मैं हमेशा हूँ और मेरी पैदाइश भी रुपये वतन थी और मैं अपने वतन के साथ अपनी मट्टी के साथ प्यार करता हूँ, वहाँ करता हूँ। भारत तो बहुत से भारत से आए, तो इसराइल की तरह ही है, बिल्कुल इसराइल का है, इसराइल मुर्दाबाद भारत की मुर्दाबाद, हमने ये सुना है, तुम्हें मुर्दाबाद कर जी बिल्कुल मौजूद है और वो आपके साथ आपको बताइए ज़्यादा चाहते हैं, आप ही ज़्यादा शुक्रिया आपका काम का, अल्लाह हाफिज़।